CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. RTM नागपुर विवि द्वारा 22 मई से ग्रीष्म सत्र परीक्षाएं ली जाएगी। परीक्षा से पहले केंद्रों पर समुचित व्यवस्था करने, परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने के लिए प्र उप कुलपति प्राचार्य संजय दुधे ने शुक्रवार को सभी केंद्रों के प्राचार्यों एवं मुख्य परीक्षा पर्यवेक्षकों की कार्यशाला ली। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व मूल्यांकन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इन दिनों पारा चढ़ता ही जा रहा है, गर्मी से हर कोई हलाकान है। नागपुर विद्यापीठाच्या उन्हाळी 2023 परीक्षा येत्या 22 मे पासून सुरू होत आहे। पहिल्या टप्प्यामध्ये अंतिम वर्षाच्या सर्व परीक्षा सुरू होतील, तर दिनांक 29 मे 2023 पासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा सुरू होतील। विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या चारही जिल्ह्यातील एकूण 503 कॉलेजकरिता जवळपास 134 परीक्षा केंद्र निश्चित केलेले आहेत। या सर्व परीक्षा केंद्रांना सर्व विद्यापीठाच्या या परीक्षा होतील। सर्व विद्यार्थ्यांना माझी एक विनंती आहे की प्रत्येक दिवशी आपण विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या टाइमटेबलनुसार कमीत कमी 15 मिनटं परीक्षा केंद्रावर पोहोचावे आणि आपण त्या त्या परीक्षा केंद्रावर जाऊन परीक्षा द्यावी। सर्व विद्यार्थ्यांनी चांगल्या वातावरणात परीक्षा होतील अशी मी आपणास ग्वाही देतो आणि शक्य तेवढ्या लवकर आपले अंतिम वर्षाचे आणि पदवीच्या अंतिम वर्षाचे निकाल विद्यापीठामार्फत आम्ही घोषित करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू। सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षा व मूल्यमापन मंडळातर्फे मी डॉक्टर प्रफुल्ल साबळे आपणास शुभेच्छा व्यक्त करतो, धन्यवाद। इस दौरान छात्रों को गर्मी से बचाने और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा देने के सभी इंतजाम केंद्रों पर किए जाए। पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। यदि कोई छात्र बीमार पड़ जाए तो उसे वैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। केंद्रों पर किसी भी प्रकार का गैर प्रकार ना हो, इसकी दक्षता लेना आवश्यक है। इस अवसर पर परीक्षा व मूल्यमापन मंडल संचालक प्रफुल्ल साबळे, उप कुल सचिव नवीन मुंगले, मोतीराम तड़स, डी एस पवार, नितिन गढ़बे आदि उपस्थित थे। नागपुर विद्यापीठांतर्गत सर्व महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यापीठाच्या पीजी डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या सोमवारपासून 22 मे पासून होणाऱ्या परीक्षेकरता एक सूचना म्हणून अशी द्यायची आहे की सर्वांनी निर्भयपणे होऊन परीक्षा द्यावी, तसेच परीक्षा केंद्रावर सुरक्षितता बाळगून शांतपणे वेळेची एक लिमिट ठेवून आपण सुरक्षित परीक्षा केंद्रावर पोहोचावं आणि परीक्षेमध्ये निर्भीडपणे आपला परीक्षेचा पेपर सोडवावा। आपल्या या येणाऱ्या परीक्षेकरता विद्यापीठातर्फे मी आपणास अनेक शुभेच्छा देतो आणि आपण या परीक्षेमध्ये सफलतापूर्वक पास व्हाल अशी मी अपेक्षा करतो, धन्यवाद। प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करने से लेकर उत्तर पत्रिका वीवी तक पहुंचाने के बारे में जानकारी भी दी गई। इस बार कुल 40 दिव्यांग छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए योग्य व्यवस्था करना होगा। वहीं गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिलाएं, दुर्घटनाग्रस्त विद्यार्थियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। एनरोल नाउ, फॉर मोर डिटेल्स कॉल